हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे रुमाली रोटी की रेसिपी। अक्सर हम रुमाली रोटी बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाकर, या कभी हमें भंडारे में भी रुमाली रोटी खाने को मिल जाती है। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनाने में। इसमें मैंने आटे का यूज़ किया है, तो ये बहुत ही हेल्दी है खाने में। एक तो ये बनती बहुत सॉफ्ट है और खाने में ये बहुत हल्की होती है। कभी घर पर मेहमान आए तो उन्हें भी ये बनाकर आप खिला सकते हैं। तो आप ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुमाली रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल मैदा और एक बाउल आटा। आटा मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं रुमाली रोटी थोड़ी हेल्दी बनाना चाहता हूँ। अगर आप आटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप फिर दो बाउल मैदा इस्तेमाल कीजिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की जगह वनस्पति घी या शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक और ये इसका डो तैयार करने के लिए मैं यूज करूंगा दूध। आप दूध की जगह पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक मैंने लिया है बाउल बड़ा सा, इसके अंदर मैं डाल रहा हूं मैदा, आटा, नमक और ये कुकिंग ऑयल। इन चारों चीजों को हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ऐसे मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको बनाऊंगा, इसका डो। डो बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा हम दूध डाल के इसका हमने एक डो तैयार करना है। हमारा जो ये बनेगा, डो बनेगा, इसको हमने अपने नॉर्मल जो हम रोटी बनाने के लिए अपने घर में डो बनाते हैं उसे थोड़ा सा हमने इसको सॉफ्ट रखना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमने ये इसको अपने डो को गूंथते रहना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो तैयार हो गया है। इसको आपने इतना सॉफ्ट रखना है जितना अभी मेरा डो बना है। तो इस डो को तैयार करने के लिए मेरा ये दूध जो इस्तेमाल हुआ था, इसमें से थोड़ा दूध बच गया है। लगभग 100 ml के करीब मेरा दूध इसमें यूज हुआ है डो को तैयार करने के लिए। अब हम इस दूध जो डो को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं एक किचन क्लॉथ के साथ ढक के 10 मिनट के लिए, ताकि ये हमारा डो थोड़ा सेट हो जाए। जब तक हमारा डो सेट होता है हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। मैंने एक ये कढ़ाई ली है। कढ़ाई आप इसमें यूज कीजिएगा लोहे की या एल्युमिनियम की। इसको हमने ऐसे गैस के ऊपर रखना है इस तरीके से। मैं पहले आपको रखने का तरीका बता देता हूँ। आपने इसको इस तरीके से ऊपर इसके ऐसे रखना है और थोड़ी सी हमारी कढ़ाई में दोनों तरफ हैंडल्स हैं तो ये थोड़ी टेढ़ी है। इसको सेट करने के लिए इसके नीचे मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक ऐसे बाउल रख रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल सेंटर में इक्वली ऊपर आ जाए। ऐसे हमने अपनी इस कढ़ाई को इसके ऊपर लगाना है जिसके ऊपर हमने रुमाली रोटी अपनी बनानी है। तो सबसे पहले हम अपनी इस कढ़ाई को करेंगे प्रीहीट। प्रीहीट करने के लिए गैस को कर देते हैं ऑन। हमने इसको हाई फ्लेम पर रख देना है गर्म होने के लिए, जैसे कि हम अपना खाना बनाने के लिए तवे को प्रीहीट करते हैं। तो ये देखिए हमारी कढ़ाई ऐसे सेट हो गई है और इधर हमारा डो को भी सेट हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार अपना डो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। लोई हमने जो बनानी है अपनी नॉर्मल जो हम चपाती बनाते हैं घर में, रोटियां बनाते हैं, उससे थोड़ा सा हमने अपना जो ये बनाना है लोई थोड़ी बड़ी बनानी है, ताकि हमारी जो रुमाली रोटी बने वो थोड़ी बड़ी बननी है वो। तो ऐसे देखो मेरे उतने डो से 4 रुमाली रोटी के लिए ये मेरी 4 लोइयां ऐसे बन गई हैं। लोइयां बनाने के बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूं। मैंने लिया है एक बाउल में पानी और उसमें मैं डाल रहा हूं लगभग 1 चम्मच नमक। ये नमक का मैंने एक ऐसे घोल तैयार करना है। ये यूज करेंगे हम अपनी कढ़ाई के ऊपर, स्प्रिंकल करेंगे इसको, जिससे जब हम रुमाली रोटी बनाएंगे तो हमारी रुमाली रोटी उसके ऊपर चिपकेगी नहीं। तो ऐसे हमने इस पानी को इसके ऊपर स्प्रिंकल अच्छे से कर देना है अपनी कढ़ाई के ऊपर, ताकि इसके ऊपर अच्छे से एक नमक की लेयर आ जाए और हमारी रुमाली रोटी इसके ऊपर बिल्कुल भी ऐसे चिपकेगी नहीं फिर। तो ये देखिए हमारे पूरे नमक की इसके ऊपर एक ऐसे मोटी सी लेयर बन गई है। अब हमारी रोटी जब इसके ऊपर बनेगी तो वो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है रुमाली रोटी बनाने के लिए। तो चलिए अब हम रुमाली रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऐसे मैदा यहाँ पे स्प्रेड कर देना है, डस्ट कर देना है और
ये मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा लिया है ऐसे अपनी लोई पे लगा के, अब हमने नॉर्मल अपनी रोटी की तरह रोटी बनानी है। लेकिन हमारी जो ये रोटी बनेगी ये हमने इसको इतना पतला हमने इसको बेलना है बेलन के साथ कि वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाए, जैसे कि हमारा रुमाल होता है ऐसे रुमाल की तरह ये बिल्कुल पतली हमने ये बेल देनी है। जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं, जितनी ज्यादा ये स्ट्रेच हो सकती है इसको आप स्ट्रेच करके ऐसे पतली से पतली इसको बेल दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी रुमाली रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको लगे कि इसमें बीच में जैसे रोटी बनाते हुए भी जो रिंकल्स आ रहे हैं तो ऐसे बीच में थोड़ा सा ऐसे इसमें हाथ चला दीजिएगा और फिर ऐसे रोटी को चार तरह से आपने इक्वली बेलते रहना है। और अगर बीच में हल्के हल्के रिंकल आए तो ऐसे एक बार हाथ से आप वो रिंकल बीच में से ऐसे निकाल दीजिएगा। तो ये देखिए हमारी रुमाली रोटी बनके तैयार हो गई। मैं आपको इसको एक बार उठा के भी दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट हमारी रोटी बनी है। ये देखिए मेरा हाथ इसमें पूरा नजर आ रहा है, ये देखिए। तो अब इधर हमारा तवा भी गर्म हो गया है, सॉरी कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसको डाल के आपको दिखाते हैं, आपको इसको ऐसे एक तरह से ऐसे करके बड़े ध्यान से ऐसे इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। अब 5 से 7 सेकंड और लगेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे इसके ऊपर यहाँ पर बबल्स आने शुरू हो गए हैं और आपने इसको हाई फ्लेम पर इस रोटी को ऐसे अपनी कढ़ाई के ऊपर बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब इसके ऊपर कितने काफी सारे बबल्स आ गए हैं हमारे रुमाली रोटी के ऊपर, ये देखिए। अब हम अपनी रोटी को एक तरफ से उठाकर दूसरी तरफ पलटकर पकाएंगे। ये देखिए हल्का हल्का इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा हमारी रोटी का आना शुरू हो गया है। अब हमने दूसरी साइड में जब रोटी को पकाना है तो आप ऐसे एक साफ कॉटन का किचन क्लॉथ लीजिएगा और ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा के भी आप अपनी रोटी को ऐसे पका सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारी रोटी मैंने दोनों तरफ से ऐसे इक्वली सेक ली है। तो हमारी रुमाली रोटी बनकर हो गई है तैयार। ऐसे अब हमने बाकी की रोटियां भी ऐसे बना लेनी है। अब ये गरम गरम है तो इसको हम इजीली ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। वैसे ही बाकी के भी हम अपनी फटाफट रुमाली रोटियां बना लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा डस्ट करते हैं यहाँ पे मैदा और फटाफट अपनी रुमाली रोटियां अब दूसरी भी बेलकर बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं लगाता था उसमें ड्राई मैदा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे मैंने दूसरी रुमाली रोटी भी बेल ली है। अब मैं आपको इसको कढ़ाई के ऊपर डालने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, ऐसे रोटी को एक साइड से उठा के अपने रोलिंग पिन के ऊपर यानी कि अपने बेलन के ऊपर ऐसे धीरे से ऐसे लपेट लेना है, ये ऐसे। और अब आपने इसके ऊपर इसको ऐसे एक साइड से फैलाते हुए बड़े आराम से इसको जिस तरफ से आपने इसको लपेटा था ऐसे उससे बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ऐसे इसको ऐसे बेलन को खोल देना है और आपकी रुमाली रोटी आराम से देखिए इसके ऊपर लग गई है ना, ये उससे आसान तरीका इसके ऊपर रोटी को स्प्रेड करने का। तो ये देखिए इसके ऊपर दोबारा से बबल्स बनने लग गए हैं। बस 5-7 सेकंड के अंदर हमारी एक साइड से रोटी हमारी ऐसे सिक जाएगी, फिर हमने उसी को पहली रोटी की तरह दोनों साइड से सेक लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी रुमाली रोटी दोनों तरफ से इक्वली कितनी अच्छे तरीके से सिकी है, कितना अच्छा इसका यहाँ पे टेक्सचर आया है। अब हम इसको भी ऐसे बड़े ध्यान से फोल्ड कर देते हैं, हाफ फोल्ड, फिर उसके बाद एक और हाफ फोल्ड और इसको अब हम सर्व करते हैं आपके घर में। जब भी कभी मेहमान आए और आप अगर रुमाली रोटी बनाकर खिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, देखिए वो कैसे आपकी रुमाली रोटी की तारीफ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था बहुत ही आसान तरीका रुमाली रोटी बनाने का, वो भी आटे से। तो अब आप ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल के बटन को दबाना मत भूलना ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी अपना कोई नया वीडियो डालूं उसका मैसेज और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और नियर्स एंड डियर्स के साथ और हाँ लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।